हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, ये मेरा कंपोनेंट है। यहाँ पे देखोगे कंपोनेंट में मेरा स्टैंपिंग होने वाला है और पॉन्सिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आज का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के हम कंप्लीट टूल बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट टूल हम इसको बनाएंगे असेंबली में, ठीक है। तो कंप्लीट टूल कैसे बनाना है, इसमें डाई में कितना क्लियरेंस डालेंगे, पॉन्स में क्या क्लियरेंस होंगे, ब्लैंकिंग टूल में कहाँ पे क्लियरेंस देना पड़ता है, पॉन्सिंग में क्या होता है, ब्लैंक कैसे निकालेंगे, इसकी जो स्टैंपिंग होगा वो कैसे रहेगा, स्प्रिंग की एक्चुएशन कहाँ होगा, तो कंप्लीट केस जो है यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे। तो वीडियो को मैं एक दो पार्ट में, उसको अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारा चीजें आपको पता लगने वाला है। ऊपर से मैं जो आपको पीपीटी है, तो पीपीटी में हर एक चीजें बताने वाला हूँ। जैसे पांच और मेरा पांच होल्डर है, पांच और स्टिपर प्लेट है। जैसे मेरा ये पांच है, ठीक है, तो ये मेरा स्टिपर प्लेट है। तो पांच और स्टिपर के बीच कितना क्लियरेंस होना चाहिए, कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सारा चीजें एक एक चीजें बताऊंगा, डाई और आपका जो डाई है और जो पांच है, इसके बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, कहाँ पे दूंगा। मान लो मेटल की थिकनेस मेरा 1 mm है, तो उस केस में क्या होगा। अगर मान लो 0.6 थिक्स है, कोई एल्यूमिनियम है, कोई ब्रास है, कोई SS का है, तो उसके हिसाब से आपकी जो डाई की क्लियरेंस होता है वो कैसे चेंज होगा। तो एक एक चीजें वीडियो में आपको पता लगने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कुछ चीजें मिस कर दोगे ना, तो सारा चीजें आपको समझ नहीं आएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबको आवाज आ रहा है, राइट। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करने वाला है एक टूल का, ठीक है। जो टूल है, मैं पहले आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ टूल की। तो मेरा कंपोनेंट रहेगा, तो मैं एक बार नया विंडो ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस विंडो में कंपोनेंट को ले लेता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट देख रहे हो आप, जो मेरा कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है देख रहे हो ना। यहाँ पे स्टैंपिंग होने वाला है, राइट, और यहाँ पे पंचिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसका तो ब्लैंक है, हम ऑलरेडी ब्लैंक बनाएंगे। हेलो, हाँ सर, बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट है, हम कंपोनेंट को देखेंगे, कंपोनेंट क्या है, साइज वगैरह क्या है। तो कंपोनेंट का हम पहले साइज देखते हैं। तो कंपोनेंट का साइज है 40 mm का है ना, और इसकी जो थिकनेस है, तो थिकनेस डिफाइन करना है, मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ। थिकनेस डिफाइन करना है, तो थिकनेस जो है मेरा 0.6 का है। कितना है, 0.6 का है, राइट। तो यहाँ से हम इसका जो है 0.6 का है, तो आपको थिकनेस जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि आपको कभी भी स्टैंपिंग टूल आए तो ये प्रोसेस से स्टैंपिंग टूल बनाना है। इसका स्प्रिंग का कैलकुलेशन क्या लेना है, इसमें हम कैसे कंपोनेंट को सेट करेंगे, कितना स्प्रिंग होगा, तो एक एक चीजें हम इसमें बात करने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोई भी कंपोनेंट होता है ना, उस कंपोनेंट को हम शीट मेटल पे ले जाएंगे, जो भी कंपोनेंट होगा आपकी, ठीक है। तो कंपोनेंट को हम शीट मेटल पे ले जाने का क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम। तो ये किस में आ जाएंगे, शीट मेटल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को क्या करेंगे, कन्वर्ट टू शीट मेटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा बेस प्लेन है, ये मेरा बेस है, ठीक है। टॉप वाला मैं बेस ले रहा हूँ, क्योंकि ये 90 में है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो क्या है, ऑल बॉडी सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये क्लास में है, शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा शीट मेटल में काम नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मॉडलिंग पे आ जाऊंगा, एम प्रेस करके इसको मैं, हम आते हैं मॉडलिंग पे, ठीक है। अब मॉडलिंग पे आने की बात क्या देखना है, ये जो कंपोनेंट है आपका, जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, हेलो, क्या निकालेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट की क्या निकालना पड़ेगा आपको, डायमीटर, साइज निकालेंगे, हम लेंथ साइज निकालेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट होगा, तो कोई मोबाइल अगर पास में है, लैपटॉप का, तो निकाल लो इसको, नहीं तो आवाज आएंगे, ठीक है। माइक बंद कर लो यार, कोई इसका माइक बंद कर लो, जब कोई पूछना होगा तब ऑन कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेरे को इसकी ब्लैंक निकालना है। तो ब्लैंक निकालने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, मेनू में जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे, एनालाइज फॉर्मेलिटी में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे हम जाएंगे इंटरमीडिएट फेस लेना है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्व टू कार्व कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फेस, देखो ये फेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे टारगेट फेस है, टारगेट फेस ये वाला टारगेट फेस रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब मेरा जो मेटेरियल है, देखो मैं यहाँ पे कौन सा मेटेरियल में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मेटेरियल यूज कर रहा हूँ ना, MS का यूज करूंगा, देखो जो वाशर वगैरह बनता है बेसिकली SS का बनता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है यहाँ MS का यूज करेंगे, ठीक है। MS का यूज करेंगे, SS का यूज करेंगे, इससे क्या डिफरेंस होगा, इसमें जो आप पांच बनाओगे, उस पांच की जो डाई में क्लियरेंस दोगे,
या 5 में क्लियरेंस होगी, उससे फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि तो एमएस का अलग होता है, ब्रास का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। क्लियर है? यस सर। अब मैं कितना क्या होता है आगे वीडियो में देखो बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसमें, किसमें जाएंगे? एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम का सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे नीचे की आएंगे। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इन्फर एलिमेंट साइज को ऑन कर लेना है और आपको इसको मैच कर देना है। जैसे आप इसको मैच करोगे, बेसिकली आपका मैशिंग हो जाएगा, ठीक है? मैशिंग होने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, मैश क्वालिटी चेक, हम मैश क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है? या मैश पास है तो कोई दिक्कत नहीं, मैश में ओके। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे, जैसे कैलकुलेट कर देंगे ओके कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे एक कार्ब बन के आया है। तो ये कार्ब बन के आया है ना, बेसिकली इसका ये ब्लैंक साइज है। तो हल्का से देखोगे तो ये ब्लैंक है, कितना कंपोनेंट श्रिंक होगा, तो आपको जो ब्लैंक साइज जनरेट करना पड़ेगा, तो ये आपका ब्लैंक साइज ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत है? क्या था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। मेटल कौन सा है? एमएस का है, ठीक है? एल्युमिनियम का। हाँ, एल्युमिनियम का है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का कितना होता है क्लियरेंस, कितना परसेंट होता है? आवाज आएगा तो वीडियो में दिक्कत आएगी, ठीक है? क्वेश्चन पूछूंगा तब बता देना, अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो बीच में आप लोग पूछ लेना, ठीक है? तो देखो मेरा ब्लैंक साइज निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ब्लैंक निकल के आएगा इसको मैं ना एक वो बना लूंगा, 0.6 का है ना, मैं ये ब्लैंक साइज के लिए मैं एक इसका वो निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? बेसिकली ये कंपोनेंट है और ये मेरा वो है। अब यहाँ के बाद जो मेरा कर्व है, जो मेरा दोनों कर्व है, उस कर्व को मैं कितने में डालूंगा, 99 पे डाल देता हूँ, ठीक है? 99 और 100 लेयर होगा मेरा, 100 डस्टबिन होगा, 99 मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको हम किस में बनाएंगे, असेंबली में बनाते हैं, ठीक है? आपको असेंबली भी क्लियर हो जाएगा इसमें, असेंबली में बनाएंगे तो, ठीक है? तो सबसे पहले किस में जाएंगे, फिर हम जाएंगे असेंबली में, ठीक है? असेंबली में जाने के बाद जो आपकी यहाँ पे पैटर्न होता है, एक होता है आपका देखो क्रिएट पैटर्न, क्रिएट पैटर्न करूंगा ना तो यहाँ पे क्या बन के आएंगे आपके, क्या बन के आएंगे आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे असेंबली, असेंबली क्या बनेंगे, इसको बोलते हैं स्टैम्पिंग टूल। हाँ, असेंबली में पहुंच जाएगा कंपोनेंट। हाँ, असेंबली में बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो स्टैम्पिंग टूल बना के मैं इसको सेव कर दिया, तो कंपोनेंट मेरा किस में आ गया, असेंबली में आ गया, ठीक है? ये जो मॉडल है, अब इस मॉडल को मैं क्या करूंगा, मैक इन ओपन विंडो में ले आता हूँ। अब ये मेरा क्या है, कंपोनेंट है, तो इसको मैं सेव करूंगा यहाँ पे, इसमें स्टैम्पिंग टूल में चला गया, तो भी न्यू फोल्डर के अंदर बनाया। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंपोनेंट करके सेव करता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट करके मैं इसको सेव कर लिया। ये देखो मेरा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे मेरा स्टैम्पिंग टूल है, तो यहाँ पे कंपोनेंट है। अब मैं असेंबली में काम करूंगा, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब पहला मैंने क्या लिया, क्रिएट न्यू पैटर्न करा है, दूसरा मैंने क्या ले लिया, अब मैं जो भी करूंगा क्रिएट न्यू करूंगा भाई। क्रिएट न्यू में ये वाला एक्टिव रहना चाहिए, जो मेन आपकी ऑब्जेक्ट है, जो पैटर्न फाइल है, असेंबली में रहूंगा, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना नया कंपोनेंट आएंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, डाई बनाएंगे, ठीक है? डाई पंच, ठीक है? तो नीचे से लगता है तो हम डाई पांच बोलेंगे इसको, तो यहाँ पे ओके कर दोगे तो यहाँ पे डाई पांच आएगा, ठीक है? अब डाई पांच को हम एक्टिव कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सर। कोई डाउट? तो हम फिर इसमें जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, असेंबली में जाके असेंबली को मैं इधर ले आता हूँ। हेलो। हाँ। ये सर हमने जो अभी डाई पीएम लिया है, मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर लो कंप्यूटर से। जैसे मॉडल के अंदर रखेंगे ना, पहला पार्ट जो ये तो चाइल्ड पार्ट हो गया ना असेंबली का सर, तो चाइल्ड पार्ट को तो मॉडल के अंदर रखेंगे ना? नहीं रखेंगे। कौन सा साइल पार्ट हो गया? ये मेरा डाई जो है अलग हो गया ना, नीचे वाला पार्ट है, ये मेरा कंपोनेंट नहीं है, ये मेरा पंच है, उसके बाद डाई प्लेट आएगा, उसके बाद आपके बॉटम प्लेट आएगा, वैसे वैसे बनाते जाऊंगा मैं। नहीं सर, डाई जो डाई पंच जो हम बना रहे हैं वो स्टैम्पिंग का चाइल्ड पार्ट हो गया ना सर, तो चाइल्ड पार्ट को तो मॉडल के अंदर रखेंगे।
नहीं रखेंगे ना, मैं एक एक करके अलग अलग असेंबली बनाऊंगा, इसमें मूविंग पार्ट असेंबली नहीं बना रहा हूँ ना, एक ही में बना रहा हूँ। अगर बनाना होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, बताऊंगा इसको आगे कैसे करना है। अब मैंने डाई पास ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी है, यहाँ पे फेस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फेस लूंगा भाई, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे फेस लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फेस आ गया, लेकिन मेरा जो फेस है बेसिकली मेरा फेस यहाँ पे काम नहीं आएंगे, यहाँ पे मेरा फेस जो है इसके हिसाब से नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों क्यों नहीं बनाऊंगा, आपको एक आइडिया दे दूँ जो मैं पहले बना रखा हूँ, जो पहले वाली क्लास में ले रखा हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये मेरा कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, डाई पंच है, ठीक है। डाई पंच को कौन सा लाएगा, ये पंच जो है ऊपर से इसको कटिंग होगा, और इसको कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, स्प्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, स्प्रिंग के साथ क्या लग रहा है मेरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रिपर बोर्ड्स, स्ट्रिपर बोर्ड्स क्या बोलते हैं, स्ट्रिपर बोल्ट, हाँ स्प्रिंग के लिए हम बोल्ट लगाते हैं, तो स्प्रिंग को जो गाइड करने के लिए बोल्ट है, हम उसको बोल्ट से इसको गाइड करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ पुनः, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट में हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा डाई पंच है, डाई पंच में देखो एक चीज ध्यान रखने वाली बात आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पंच है ना, ये पंच में आपको डाई को रखना है, जो आपकी ब्लैंक टूल बनेगा ना उसको रखना है, तो इसका साइज जो होगा, इसका साइज जो होगा ना, इसके ऊपर रहेगा, ये बेसिकली इसके ऊपर रखना है ना। हेलो, मेरा बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं अगर इसको पंच के हिसाब से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैंक रखना है, अगर मैं इसको इक्वल साइज रखूंगा ना तो नहीं होगा, मेरी बात समझ आ रहा है, तो इसको मैं ब्लैंक के हिसाब से रखूंगा, तो इस केस में मुझे ब्लैंक चाहिए। अब ब्लैंक का कितना डायमीटर आता है वो मैं आगे करूंगा, अभी जो है इसको आप एक्सट्रूड कर लो सीधा, बाद में इसको हम रिसाइज फेस करके उसको बनाएंगे, ठीक है। चेक कर दो, और इसको मैं कर दे रहा हूँ लगभग मैं 70 mm का एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 70 mm क्यों करूंगा, क्योंकि हम मेटेरियल में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओगे आप, ठीक है, यहाँ पे मुझे आप ये बताओगे, इस कंपोनेंट को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे जो मेरा अंडर का कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट पे, इस कंपोनेंट में कितना है, 5.5 का है, 5.5 में है ना जो मेरा कंपोनेंट बन जा रहा है, इसमें कितना है, 5.5 का डायमीटर का है। अब लड़के कम हो गए क्या, तो 5.5 की केस में कितना क्लियरेंस डालेंगे, और लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग पता है आपको क्या होता है, पंचिंग लैंडिंग डालते पता है ना, पंच आना चाहिए, कितना पंच घुसना चाहिए, क्या बोल रहे हो, क्या होना चाहिए लैंडिंग, हम कितना डालेंगे, कितना, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैसेज में लिख के दे दो एक बार, आवाज आपका इको हो रहा है, कितना होता है यार, 1.5 इनटू सीट थिकनेस, 1.5 इनटू सीट थिकनेस, सीट थिकनेस जी, ठीक है, इतना है ना, 1.5 इनटू सीट थिकनेस ये है जी, जी ये जी सर, ये नहीं मैं बता देता हूँ सर, लैंडिंग क्या होती है, हाँ लैंडिंग, हाँ ये नहीं होगा, 1.5 से 3 नहीं होगा, अगर आपकी सीट की थिकनेस 3 mm से कम है, मतलब 3 mm से कम है, तो मिनिमम आपको 3 mm डालना है। यहाँ पे हम कितना डालेंगे, यहाँ पे हम कितना डालेंगे, कोई लड़का आया क्या, कोई आया क्या, नहीं ना, मिनिमम हम कितना डालेंगे यहाँ पे, 3 mm मिनिमम डालना है आपको, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना। अब उसके बाद से, इसके बाद से हम इसको जो कटिंग वाला मेटल कटिंग होगा ना, तो इसको कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा है ना, इसको रिवर्स कर देंगे और इसको आगे ले आता हूँ मैं, और इनके बीच में एक ड्राफ्ट देता हूँ, कितना डिग्री ड्राफ्ट देंगे, 3 degrees, ठीक है, 3 degrees सफिशिएंट है सर। लैंडिंग क्या होता है बताता हूँ, लैंडिंग होता है, तुमको मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछने वाले बहुत लोग, ठीक है। तो लैंडिंग होता है, जैसे ये मेरा शीट मेटल का वो है डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, ये लैंड होता है, ये वाला लैंड होता है, ठीक है, ये क्या करता है, गाइड करता है बेसिकली, ठीक है। अगर शीट थिकनेस अप टू 3 mm है, लैंड इज 3 mm, अगर शीट थिकनेस 3 mm से ज़्यादा है, शीट की थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होगा, तो इक्वल टू शीट थिकनेस होता है लैंड, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे मिनिमम 3 mm लेंगे, क्लियर है,
सर ये पीपीटी भेज दोगे आप? हाँ भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जो है बाउंडेड प्लेन लगा देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम जो इसको इसको ना ऐसे करके हम इसको वो कर देते हैं, सॉलिड ब्लॉक नहीं हुआ वो, ठीक है। अभी उसके बाद इसको हम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। यहाँ पे डाउट आपको होना चाहिए। देखो मैं, देखो जब डाई की टॉलरेंस की बात करता हूँ, मैं पहले इसकी हेड बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस की बात करता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम हेड बना लेते हैं। तो अच्छा, राउंड ऑब्जेक्ट में हम राउंड टू हेड बनाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि जो रोटेशन होता है, कभी एजेस होता है, तो उस केस लिए आपको इस तरीके से आपको हेड बनाना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ सर, बूशी बना टाइप बना देने का ना, कॉलर बना लो, कॉलर कॉलर चालीस का नहीं, इसको मैं 50 का रखता हूँ, ठीक है, 50x50, ठीक है, 50x50 का है। और इसको हम कर देते हैं 8 से 8 mm सफिशियंट होता है, 8 से 10 mm, मैक्सिमम 12 mm, उससे ऊपर नहीं जाना है, ज़्यादा करोगे तो मशीनिंग का काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 12 mm लेते हैं और इसको हम यूनिट कर लेते हैं, तो हम यूनिट, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ 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 तीन जगह हम रेडियस मार रहे हैं, ठीक है, तो रेडियस में बेस का मार दे रहा हूँ, ठीक है। और एक जगह हम करेंगे चैम्फर, ठीक है, तो चैम्फर कर देंगे इसको 15 का। सर उसको पूरा राउंड ही रख लेते हैं ना? राउंड नहीं रखेंगे, बताऊंगा, एक ये रोटेशन हो सकता है, ठीक है, इसको राउंड करना इसलिए नहीं करता है, एक तरह से ये लॉकिंग का काम करेगा ना सर, ये लॉकिंग का काम करेगा ना ये? हाँ, लॉकिंग का काम करेगा आपका। यहाँ पे 12 का रोटेशन आ गया, इस तरीके से ये मेरा रेफरेंस एज हो गया, ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा, इस तरह चैम्फर होगा ना, हर जगह में चैम्फर का यूज। यहाँ पे मेरा कॉलर का भी काम करेगा, ये घूमेगा भी नहीं, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ये बना दिया। अब आपकी बात करते हैं, मेरा मेटेरियल कौन सा है, एल्यूमिनियम लिया है, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 1.5 से लेके 3% तक होता है ना, क्लियर है? Yes, है ना, होता है ना। अब मैं उसमें, देखो आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मैं अपना प्रैक्टिकल के हिसाब एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत टूल बनाए हैं, कभी कभी आप जो ये पंचिंग टूल है ना, ऊपर फिर स्टैंपिंग हो रहा है, स्टैंपिंग का यहाँ पे नहीं है, पंचिंग का होता है, ठीक है। स्टैंपिंग में क्या होता है, आपकी स्पिंग बैक होता है, पंचिंग में क्या आएगा, क्लियरेंस में खेल आएगा आपका, ठीक है। तो जो पंच होता है, जैसे पंच के बोलो तो मैं, ये मेरा पंच है, ध्यान से समझना मेरी बात, जो ये मेरा पंच है, ठीक है, ये पंच है और ये मेरा डाई है, ठीक है। पंचिंग टूल में डाई में क्लियरेंस होता है, इसमें होता है डाई में क्लियरेंस होता है, सब लोग समझ रहे हो ना, इसमें होता है डाई में क्लियरेंस होता है। लेकिन लेकिन कभी कभी आपका केस में क्या होता है, किसी केस में आपकी बार आता है, बार को कम करना पड़ता है, किसी केस में आपकी साइज सही नहीं निकल के आ जाते हैं, तो उस केस में हमें पांच में भी देना पड़ता है, डाई में भी देना पड़ता है। अब भाई पांच में देंगे तो कैसे देंगे, डाई में देंगे तो कैसे देंगे, ये सारा चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है, आपको टूल बना के दिखा देंगे, ये टूल है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, बना दोगे आप, हो गया कहानी, आपने सीख लिया, कोर्स खत्म, ऐसे नहीं होगा, एक एक चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ना, पहले हम बनाते हैं आपको ओनली डाई में क्लियरेंस कैसे डालते वो बताता हूँ, फिर पांच में कैसे डालते हैं और पांच के थ्रू डाई में कैसे डालते हैं। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ है ये प्रॉब्लम, ठीक है, आपके साथ भी होगा लाइफ में, ठीक है। तो देखो 1.5 है तो मैक्सिमम मैं 3% ले रहा हूँ, 3/100 कितना हो गया, 0.3 क्या हो गया मेरा, ये कितना हो गया, 0.3 हो गया। इसको मैं मेरा शीट थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इनटू 0.6 कितना हो गया, 0.1 मतलब 180 माइक्रोन का बन गया है ना, 180 माइक्रोन का इसमें आपकी टॉलरेंस लगने वाला है, डाई में क्लियरेंस लगने वाला है। आपका डाई का होल कितना था, 5.5 था ना, तो हम क्या करेंगे प्लस 5.5 कर देना, आप कितना बन के आ गया, 5.518 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रिसाइज पेश करके इसको हम यहाँ पे डाल दो सीधा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, लैंडिंग समझ गया आपने, क्लियरेंस समझ गया आपने, हाँ सर समझ गया, हाँ सर, ठीक है। अब
जब टूल बनाऊंगा ना, अब यहाँ तक तो समझ गया, आपको पांचिंग में कुछ नहीं देना है, एक ये प्रोसेस यूज करना है। अब नेक्स्ट जो इसको मैं खत्म करूंगा, जब इसकी सेकंड हाफ बनाऊंगा, इसमें आपको इसकी रिवर्स प्रोसेस बता दूंगा। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, पांचिंग में भी टॉलरेंस डाई क्लियरेंस दूंगा, डाई में भी क्लियरेंस दूंगा। बेसिकली जो पांचिंग टूल होता है इसमें हम डाई में देते हैं और ब्लैंकिंग टूल में हम पांच में देते हैं क्लियरेंस, ठीक है। इसमें हम ब्लैंकिंग तो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, हम क्या करेंगे इस केस में, तो यहाँ पे ओनली पंचिंग का काम है और स्टैंपिंग का काम है, तो इसमें हम डाई में क्लियरेंस डाल रहे हैं। अभी आप देखते जाओ मैं क्या करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपली इसमें आ जाता हूँ, आने के बाद इस पर एक्टिव करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉम्पोनेंट भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है ना। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझने में इशू नहीं है। अब हम इसको क्या लेंगे, डाई प्लेट लेंगे। अब यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मेरे देखो इस प्लेट को मैं इसके इक्वल लिया हूँ, इसके इक्वल लिया हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं इसके इक्वल ले करना पड़ सकता है। अब मैं इसके लिए पहले जाके इसकी जी देखूंगा, जी कितना है, कितना है, 20.037 है ना, ट्वेंटी पॉइंट जीरो थ्री सेवन इंटू टू, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है ना। इसको क्या करूंगा मैं, रिसाइज फेस करूंगा कि नहीं, एक्टिव कर दिया रिसाइज फेस, यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया इसकी इक्वल, ऊपर वाले की इक्वल। अब समझ आ गया ना जी सर, आ गया। अभी अभी भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा आपको, एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे जब आप इसको रिप्लेस करोगे ना इस फेस को, तो यहाँ पे फिर आपके पास नहीं होगा वर्क असेंबली, एंटर असेंबली कर, फेस को सिलेक्ट कर देना, क्लियर है जी सर। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, तो इसको इस तरीके से करना, क्या बोल रहे हैं, नीडेड टू अकोमोडेट सेंस कैन नॉट बी एडेड, बातचीत जैसे मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पे जी करके मैं देख लेता हूँ, 20.317, अच्छा ये कहीं पे कहीं अलसेंस है क्या, हाँ ये कहीं कहीं चेंज है, ये कहीं कहीं चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मास्टर ले लेते हैं, तो हम इसको राउंड वैल्यू एक राउंड फिगर कर लेंगे, तो अभी हम जो है प्लस में ही लिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं करूंगा यहाँ पे असेंबली में गया, सर ये जो ऊपर अभी आपने क्लियरेंस दिया है, ये जो कर्व निकाला था, मतलब ब्लैंक निकाला था, उसमें दिया है ना, हाँ उसमें दिया है। अगर आपको पूरा एक्यूरेट डालना है ना, पूरा एक्यूरेट डालना है ना, तो एक्यूरेट डालोगे तो कहीं पे कम आएगा कहीं पे ज्यादा आएगा, तो इसको आपको एक अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, ओवरऑल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मशीनिंग होगा कहीं कम कहीं ज्यादा आएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। कम होगा तो दिक्कत हो सकता है, ज्यादा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत आ सकता है, ये सेंटर जो है मिसमैच हो सकता है, अगर प्ले रहेगा तो क्या होगा, सेंटर मिसमैच हो सकता है ना। हाँ जी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा लिंक ज्योमेट्री में, उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा बॉडी में, बॉडी को जाके इसको ले आऊंगा, आगे मेरा बॉडी, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको हाइड कर दे रहा हूँ मैं, दोनों को हाइड कर दिया, ओनली ये वाला पार्ट रह गया। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सिंपली जाके, ठीक है। अब देखो मेरा एक दूसरी बैच से क्लास है, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, हाँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन तो नहीं जा सकता हूँ ना, आप लोग की क्लास में हूँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं ऑनलाइन हूँ, आपकी मैसेज सीन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं कहीं इग्नोर कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं ऐसे काम में बिजी हूँ कि आपकी क्लास छोड़ के उस वाले को मैसेज को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो मैं साइज जो ले रहा हूँ ना, कितने का लूंगा, तो 130 पर साइज का लूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्प्रिंग लगने वाला है इस जगह में, और यहाँ पे बोल्ट होने वाला है, ठीक है। तो डायगोनली हम बोल्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगाएंगे चार, तो अराउंड जो होगा 130 का जो आता है, तो पार साइड में मशीनिंग होंगे, तो हम उसको रखेंगे 126 का, क्लियर। इधर भी 126 क्यों रखा है हमने,
क्योंकि प्लेट आएगा 130 का, मशीनिंग भी तो करना पड़ेगा ना आपको, सेपर में करोगे या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करोगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको। अब उसके बाद आपको करना यू है, इसके बाद आपको इसको ले जाना है, कितने का थिकनेस देंगे हम इसको, 30 mm का रखेंगे या 25 mm का रखेंगे, 30 mm रख लो, 25 से या 20 से, यहाँ पे 30 mm से कम मत करो, छोटा डाई है 30 mm रख लो, कंजूसी मत करो मेटेरियल डालने में, यहाँ पे इससे इसको सब्ट्रैक कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, डन। अब इसके बाद जो है ये हम इसको हटा देते हैं। अब आपको करना यू है, ये जो रिसाइज ब्लेंड है ना, रिसाइज ब्लेंड जो है, इसको ब्लेंड को हमने 6 का डाला है, मैं 5 का डाल दूंगा, तभी रेडियस टू रेडियस क्लियरेंस रखना हमेशा, ठीक है, रिलीफ रखना है इसको, रिलीफ बोलते हैं, यहाँ पे 20 का है तो यहाँ पे 18 का डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब यहाँ पे जो चैम्फर है ना, तो इस साइड में एक चैम्फर कट लगा दो, ये रेफरेंस के लिए आ जाएगा आपका, ठीक है, कॉर्नर का, कॉर्नर का रेफरेंस के लिए आ जाएगा आपका। अब मैं सबको ले आता हूँ, अब देखो कि इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिलीफ रहेगा, रिलीफ रिलीफ रहेगा, क्लियर है। अब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जगह कम हो, रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जगह कम हो जाएगा, वो सीधा सही नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पे जितना एंगेजमेंट होगा उतना अच्छा है, 1 mm रिलीफ काफी है, ठीक है ना। और एक चीज और करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक ब्रेक करा हो, जैसे वेब जमीनी लिंक कर लिया ना मैंने, जैसे मैंने आपके वेब जमीनी लिंक कर लिया हो, ठीक है, इसमें ये एसोसिएटर को ऑन कर लेना, ये अच्छी चीज है, ऑफ मत, नहीं तो क्या होता है, इसको ऑन करोगे ना, इस डायग्राम में कुछ चेंज करो, वो ऑटोमेटिकली सारा असेंबली में चेंज, इसको ऑफ करोगे तो हर एक पर्सन में एक एक करके चेंज कर देगा, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, ओके ओके, क्लियर है, सब लोग को बता रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, तो दोबारा बता एक बार, जब आप अभी करके दिखाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कंट्रोल जे कर लेते हैं और यहाँ पे सॉलिड पुट्टी कर लेते हैं, सॉलिड पुट्टी में हम कलर होता है ये वाला कलर दे देते हैं, और जो पांच होता है इसको थोड़ा सा हाईलाइटर कलर में रखना है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे इतना हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी नीचे वाली प्लेट के बाद बॉटम प्लेट, ठीक है, अब बॉटम प्लेट की क्या फॉर्मूला होता है, किस हिसाब से आप बॉटम प्लेट डिसाइड करते हो, कोई आप बताओगे या मैं बताऊँ, सीधा बता दीजिए सर, तुम्ही तो बता दीजिए सर, डाई प्लेट का, डाई प्लेट इनटू 1.5 होता है, नहीं डाई 0.5, ठीक है, 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 सेंटर पे ले आए ओरिजिनली, ये करना भूल मत जाना, एंटर असेंबली, कभी कभी आपको ये भी दिक्कत करता है, फिर बोलोगे आप सर आपका तो हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, हाँ कितना होता है, हेलो आप भी बता दो सर, फिर भी आप लोग कुछ आइडिया, देखो एक साइड पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कितना है, कितना करा है, 126 का था ना, 126, तो पार साइड हम कुछ एक्स्ट्रा मीटर रखेंगे, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 20 का कर दूंगा तो कितना होगा, 10 mm आ रहा है, तो मैं इसको क्लास जो है 20 mm, 15 से 20 mm एक्स्ट्रा रखेंगे, पार साइड 15 mm सफिशिएंट, हम ये मेरा नॉन एप्लीकेबल है, हम 25 mm रखते हैं, हम 25 mm रखते हैं, 25 mm, हाँ ठीक है, मैं 20 mm रखा हूँ। अब दूसरा चीज जो आता है आपका, ये वाला एरिया में क्या होता है, जो आपकी पिलर सेट लगाते हो, पिलर सेट का क्या होता है, जो पिलर होता है इसकी हेड होता है, हेड होता है ना, तो हेड का कितने का हेड लगा रहे हो आप, हेड कितने का आता है, आप कितने का आता है, 126 प्लस, हाँ बताओ कितने का हेड आता है, अलग 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 पिलर दया का अलग अलग साइज आता है ना, 150। मैं क्या करूँगा, सुनो मेरे कंक्लूजन सुनो, यहाँ पे 40-40 का मैं ले रहा हूँ, 40-40 का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 80 mm कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस पार साइड 10-10 mm प्लस 40 mm, समझ आ रहा है मेरी बात को, जो पिलर का जो मैं जो पिलर सेट है ना उसकी जो रेस्टिंग है, जो कॉलर है उसका मैं 40 mm ले रहा हूँ पार साइड, प्लस 10 mm इधर एक्स्ट्रा, बोल्टिंग भी तो करना है ना,
यहाँ पे मैं 80mm लिखा हूँ। अब मैं 40mm का क्या लूंगा, ये मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं यूज करूंगा, ये मैं मिसुमी का स्टैंडर्ड यूज करूंगा, आप देखते जाओ कितने का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं हम 30mm 35mm टाइप प्लेट थोड़ा सा तरह रखना, ठीक है, इसको हम जो है अराउंड 30mm का हम इसको रख लिए। ठीक, अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये बेस प्लेट हम उससे कम ज्यादा भी रख सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? पर ये बेस प्लेट उससे भी हम कम ज्यादा रख सकते हैं क्या? 40-35 से? बहुत समझ नहीं आ 40। हाँ देखो, डाई प्लेट को इतना तो मिनिमम रखना है, क्योंकि इसके नीचे देखो, इसके नीचे आपकी कोलर है, बोल्टिंग है, बोल्टिंग को गाइड करेगा, पूरा लोड पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है आपको, मिनिमम तो 30mm रखना ही है। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने डाई प्लेट ले लिया, अब मैं यहाँ पे बॉटम प्लेट लेना, मैंने यहाँ पे भूल गया आपसे बात करते करते, मैंने ये बताया था ना, इसको मैं कर लेता हूँ एक बॉटम प्लेट, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, कोई आए अभी? ठीक है, तो यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा एक तो आपको बॉटम प्लेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसोसिएटिव ऑन है, इसको ऑन कर लेना, ये बता रहा था मैं। लेफ्ट जमीटी लिंकर नहीं, आपको लेना पड़ेगा गेट न्यू। YouTube में मत डालना, ठीक है, बॉटम प्लेट हो गया। अब ये बॉटम प्लेट को एक्टिवेट करके इस प्लेट को इधर ले आऊंगा मैं, क्योंकि मेरा इस प्लेट जो है डाई प्लेट में बन गया। अब देखो, अब मैं लिंक को ब्रेक कर रहा हूँ, अब लिंक ब्रेक कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे गया एसोसिएटिविटी, देखो ऑफ है, ऑफ है ना, इसको अगर ऑन करूंगा ना, देखो गलती करके दिखा दे रहा हूँ, इसको ऑन करके मैं इसमें ले आता हूँ ना, मान लो मैं बॉटम प्लेट में आया, अब डाई प्लेट में आके मेरे कहाँ पे बन गया, इसके अंदर बन गया, इसके बाहर बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ना, तो ये लिंक देखो वार्निंग आ गया, इफेक्ट योर फिशन एंड कॉन्स्टेंट इन स्केचेस। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से बॉटम प्लेट के साथ, देखो यहाँ पे लिंक बना हुआ है, मेरी बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। आपको क्या करना है फिर? जी सर। आपको ये करना है, जो इसकी लिंक है ना, इसको लिंक को हम हटाएंगे, ठीक है, इसको हम लिंक को हटा के बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा, एसोसिएटिविटी को ऑफ कर देता हूँ, कभी कभी ऑन करना पड़ता है, कभी कभी ऑफ करना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे जाके इसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा, इसको एक्टिव कर दिया, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं दिखा के दूंगा, अभी देखो यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, डिलीट, कोई लिंक कोई वार्निंग नहीं आया, आया क्या वार्निंग? नहीं, नहीं आया ना, तो ये मेरा हो गया बॉटम प्लेट की कॉन्सेप्ट। अब इसको एक्टिव करूंगा, देखो बॉटम प्लेट एक्टिव हो गया, आप हल्का सा चैम्फर मारूंगा मैं, ठीक है, मास्क का यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सैंपल यूज करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो इसमें बैकनेट नहीं आता है सर? हाँ, बैकनेट नहीं आता है क्या? बॉटम प्लेट ही बैकनेट है ना। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट आ गया, अब मुझे क्या बनाना है, स्टिपर प्लेट बनाना है। स्टिपर प्लेट क्या करूंगा, यहाँ के लिए मैं फिर जाऊंगा असेंबली में, जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लेट न्यू, ठीक है सर। ये डाई बैक प्लेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, डाई प्लेट नहीं डाल रहा हूँ, डाई इतना क्यों खर्चा करूँ मैं, मेरा सीधा काम बन जा रहा है, जरूरत नहीं डाई बैक प्लेट का। ठीक है, ठीक है, स्टिपर प्लेट, ठीक है, स्टिपर प्लेट, स्टिपर प्लेट बना रहा हूँ मैं, स्टिपर प्लेट बना दिया, अब स्टिपर प्लेट को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों प्लेट चाहिए मेरे को, इसके रेफरेंस में बनाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे देखो, इसके रेफरेंस के लिए एंटर असेंबली चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है 30mm का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, पर सांस कान भी नहीं, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये इसको 40mm करूँगा ना, तो ये देखो इसको आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, जो कंपोनेंट है 0.6mm का कंपोनेंट है, तो इसको मुझे क्या करना है, रेस्टिंग करना है ना, कंपोनेंट को रेस्टिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 42mm का ले रहा हूँ, 42mm में आराम से रेस्टिंग हो जा रहा है, कंपोनेंट हो रहा है ना, इसको आप ऐसे करके देख लो, रेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, हो रहा है, तो ऊपर से स्टिपर से लाऊंगा, तो स्टिपर से लाऊंगा तो गैप सही है, स्प्रिंग का। अगर 22mm का दे रहा हूँ तो कितने का होगा, 20mm का हो गया मेरा स्टिपर प्लेट, हो गया ना, अब 20mm का गैप है, इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे स्टिपर प्लेट को, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीधा सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं,
क्योंकि हम असेंबली में काम कर रहे हैं, ये वाला एक्टिव है, सब पे होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं सिलेक्ट होगा, होगा ये हम okay. एक असेंबली से दूसरा असेंबली में जा रहे हैं, दूसरे असेंबली में जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको कैसे करना है, सीधा देखो इसको एक्टिव करा है, सीधा आपको जाना है असेंबली में, वेब ज्योमेट्री लिंकर कर लेना है, बॉडी को ले आना है, एसोसिएटिव को आप करके इसको ले आना है, ठीक है? उसके बाद सब ट्रैक करना, सीधा एक असेंबली से दूसरा में मत करना, इसका हिस्ट्री आपके पास रहना चाहिए, क्लियर है? ओके ठीक है, अब इसको मैं बी कर देता हूँ, बी करने के बाद तो ये है कि मैं थ्रू आउट कर दूंगा। हाँ तो इसको आप करना पड़ेगा स्प्लिट, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। सर वो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, उसका क्लियरेंस कैसे होगा सर? ओ पंच और स्टिपर का होल होता है ना, उसमें क्लियरेंस कितना होता है सर? क्लियरेंस अभी क्लियरेंस सब कुछ है मेरे पास, देखो क्या चाहिए तुम्हें बताओ, एक एक करके तुम्हें सब कुछ बना रखा हो यार तुम लोग के लिए, ऐसे देखो क्लियरेंस किसका क्लियरेंस बताओ। सर वो क्लियरेंस कितना देना है वो ठीक है सर, वो अभी तुमने वे ऑफ ज्योमेट्री दिया वो अभी पंच का साइज ही होता है ना, उसमें क्लियरेंस ऐड नहीं होता है। ये जो क्लियरेंस बात कर रहे हो ना, ये तुम मूविंग क्लियरेंस की बात कर रहे हो, देखो मैं दिखा देता हूँ ना कितना रखता हूँ, ये बना रखो पीपीटी सर, इसको भेज देना है आपको। कौन सी प्लेट के साथ कितना क्लियरेंस करना है? ओके हेलो सर, ये रहो ये क्लियरेंस है, एक सेकंड रुको, एक टॉपिक क्लियर करता हूँ, ठीक है? 500 okay. स्टिपर के बीच में कितना होता है? 87K6। अब 87 का कितना आता है ये तुम्हें, जो तुम्हारा 60 होता है ना वो गूगल पे भी मिल जाएगा, ये 60 तुम्हें यूज करना है। हाँ बताओ कौन क्या पूछ रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि ये क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है सर, ये यूज होता है कि जो शीट की थिकनेस होती है उसका 8-10% ले रहे होते हैं, तो ये अप्लाई नहीं होता है क्या हर जगह पे? सर लाइब्रेरी में जो अभी तुमने मिस कर दिया कुछ, अभी तुमने मिस कर दिया ये जो बात है ना, मैं स्टार्टिंग में बताया कि नहीं सबको? हाँ, है ना, ये क्लियरेंस तुम्हारा रनिंग क्लियरेंस है। यस यस, ये फिटिंग क्लियरेंस है तुम्हारा, रनिंग क्लियरेंस है, वो तुम्हारा फुल का क्लियरेंस है। वो तो कंपोनेंट का क्लियरेंस था। वो कंपोनेंट का क्लियरेंस, वो तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा ये है, इसने क्वेश्चन पूछा था ना मुझे कि सर इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, तो मैं कितना होना चाहिए इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया हूं, ठीक है? समझ आया? ये टूल से टूल के बीच का क्लियरेंस आप अभी बता रहे हो क्या सर? हाँ अभी जो आपने क्लियरेंस का जो अभी एक टेबल यहाँ पर आपने डिस्प्ले करा, ये क्लियरेंस एक टूल से दूसरे टूल के बीच रनिंग क्लियरेंस है, कितना होना चाहिए? और आपका मान लो पिलर सेट है, तो पिलर सेट में पिलर और गाइड के गाइड बुश के साथ कितना होना चाहिए क्लियरेंस? वो है स्टिपर प्लेट और पंच के बीच में कितना होना चाहिए, टाई और इसके बीच में कितना होना चाहिए, वो उसका क्लियरेंस है। ओके ओके ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंटरव्यू में पूछते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इंटरव्यू में आपको पूछेंगे। अब देखो ये होल को थ्रू करूंगा, अभी पहले पहले बना लेते हैं हम, ठीक है? ओके ओके सर, सर आप अभी ये टेबल दे रहे होंगे क्या? हां दे दूंगा भाई, तुम YouTube में वीडियो बना के मत डालियो, टिंग टिंग। अरे नहीं नहीं, वीडियो नहीं डाल रहा हूं सर, वीडियो नहीं डाल रहा हूं, टिंग टिंग ले लो एक बार। हां सीखने के लिए दो ना, अभी एक स्टूडेंट को मैंने दे दिया, अभी नया स्टूडेंट है, हां उसका नाम विशेष करके है, नया बंदा है, नया ज्वाइनिंग हुआ है, उसने वीडियो ले लिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सीधा फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैंने वार्निंग दे दिया, लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कुछ मिलेंगे तो आपको मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ें सही नहीं है, आपने उस दिन ने कुछ वीडियो डाला दैट कि मुझे यूट्यूब में बोला सर सही है कि नहीं, देख लेना। आप सीखने के लिए बोला, ऐसे काम करने से नहीं बनता है, पहले पूरा पूरा कर दे, उसके बाद वो क्लियरेंस, वो स्लाइडिंग क्लियरेंस उसके बाद देना है सर, वैसा ही है ना? हाँ, सबसे लास्ट में देना है ये सब, ठीक है सबसे लास्ट में देना है, ठीक है? अब ये देखो ये जो मेरा पांच है ये किसमें, इससे मैंने ऊपर रखा है, है ना? अब देखो इसमें मैं क्लियरेंस डाला है कि नहीं, डाला है, तो वो चीज है कि आपको सबसे लास्ट में डालना है क्लियरेंस, ठीक है? ओके ओके ओके, पूरा असेंबली बना के उसके बाद क्लियरेंस देना पड़ता है, सबसे लास्ट में जलना है। लेकिन अभी बना रहा हूँ तो इस टाइम में अगर मैं वो स्टेप मिस कर दूंगा तो फिर आपको बाद में वो टॉपिक मिस हो सकता है, मैं आपको इसको पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत है बताओ?
यहाँ पे आपको कंपोनेंट जो है जो आपकी ये है इसको आप रेस्टिंग हो रहा है कि नहीं पहले देखो, ठीक है, ये आपका रेस्टिंग हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, हो रहा है ना? ये थोड़ा सा कम ज्यादा है लेकिन ये प्रॉपर एवरेज जो है रेस्टिंग हो जाएगा। ब्लैंक का थोड़ा ज्यादा है वो साइज, ब्लैंक ज्यादा नहीं है, ये जो गोला बन के आया ना गोला में कहीं पे कुछ ज्यादा आ रहा है कुछ कम आ रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्स लेना है आपको, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी जब भी आप एनालाइज फॉर्मेलिटी मारते हो ना तो इसमें आपको कहीं पे कम आता है कहीं एक से ज्यादा आता है, सेंटर सेंटर पर ओके हेलो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे जो ब्लैंक को बिठाओगे ना आप, ब्लैंक बैठना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि पूरा ज्यादा आपने प्ले दे दिया, पूरा प्ले नहीं होना चाहिए, 1.5 सफिशिएंट है, इसको बस बैठना चाहिए। अब इसको मैं बैठने के लिए नीचे से मैं देखो बोल्टिंग भी दूंगा, आपको समझ में आएगा बोल्टिंग कहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ तक पता हो, यहाँ तक कोई किसी का कोई इशू नहीं सर। सर एक 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 क्वेश्चन था सर। हाँ सर, ये जो स्वीपर प्लेट हम यूज कर रहे होते हैं ये तो कितने एमएम तक की थिकनेस की शीट या कंपोनेंट के लिए हम स्वीपर प्लेट अप्लाई यूज कर रहे होते हैं? कितना एमएम के, ये तो देखो कितना सलाना है ये आपके स्वीप के हिसाब से डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं, मान लीजिए अगर जैसे हमने एक कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ड्रॉ ऑपरेशन कर रहे हैं या फॉर्मिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और उस केस में हमारा जो शीट की थिकनेस है वो 3 mm की है, तो वहां पर तो सर स्ट्रिपर प्लेट यूज नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी शीट की थिकनेस उतनी है कि जो तो, मतलब हम पार्ट को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका शीट की थिकनेस 0.8 है तो उस केस में हमारा स्ट्रिपर प्लेट यूज करना सर नेसेसरी हो जाता है ना? वाले में स्ट्रिपर का वाले में हम अलग अलग स्टेज में उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ वाले में स्टीपर का कॉन्सेप्ट मत लाओ आप, ड्रॉ वाले में हम अलग अलग स्टेज चलाएंगे, कोई हम इनिशियल 30% चला रहा है, कोई 20%। अभी मैंने रिसेंटली एक ड्रॉ टूल बनाया है, एक जॉग का, एक जॉग होता है ना वो मिक्सी जो होता है, मिक्सी होता है ना, उसकी मैंने एक, कौन कौन अभी ऑनलाइन है बताओ, मैं उसको एक फोटो भेज देता हूँ कॉम्पोनेंट के साथ, उसकी पीछे खैर मत करना किसी को। हाँ फ्रेम को मैंने भेजा था, ये फ्रेम को पता है, कंपोनेंट नहीं भेजा मैंने, है ना, पन्ने की बात, देखो कंपोनेंट भी भेज देता हूँ, फ्रेम देखो किसको भेजू, कौन दिखा दो सर, ये मुझे भेज दो सर, भेज दो सर, एक बार भेज दो, कौन कौन है, मिथिलेश है ना, और जी सर अक्षय सर, मैं हूँ नीरज अक्षय, हाँ जी एएलडी से सर, हाँ नीरज सर, नीरज नीरज को भेज दिया, और सर आशिर, दिनेश दिनेश सर, दिनेश को भी सर, संधू सर, आशिर को भेज दो, संधू को भेज दो, एक सेकंड, हां हेलो एल, हां सर मिल गए सर, सर मेरे को मिल गया, हां सर हेलो सर, सर काम है, अब किसको नहीं मिला सर, आशिर मेरे को, मेरे को कौन, नाम तो बताओ सर, एएलडी एएलडी सत्यवंत सिंह होगा सर, संधू करके दे दिया, और हेलो सर, हेलो सर मुझे भी शेयर कर दो, लक्ष्मण ठीक है, और सर मेरा ना एएलडी के नाम से आएगा, चलो मैं दे दूंगा जो अभी लंबा हो जाएगा, ये देखो पुल, देखो कंपोनेंट के लिए ये ड्रॉ टूल है, अब देखो ड्रॉ टूल में कितना स्टेज में कराया उसको देखा आपने, खोल के चार है ना, पहला वाला कितना परसेंट कराया मैंने, है ना, देखो लेजर में देखो ब्लैंक कितना लिया, लेजर है ना, सर्कल लैंडिंग कितना लिया, फास्ट ड्रॉ कितना लिया, वो सेकंड ड्रॉ कितना लिया, स्पिनिंग कितना कराओ, प्रोफाइल ड्रॉ कितना कराओ, ये होता है प्रोसेस, इस तरीके से बनाना पड़ता है। एक क्लास में क्लास में एक 20 नंबर वाला जो क्लास है ना उसमें कंप्लीट ड्रॉ टूल का है, छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन ड्रॉ हो होंगे उसको बनाया हो, उसमें तुम्हें वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ तक कैसे समझ में आया? हाँ सर आ गया। कंपोनेंट देखा, कंपोनेंट कैसे बनाया, सही है? हाँ ये जो कराऊंगा ना तुम लोग को, ये प्रैक्टिकली कराऊंगा, ये कहीं पे किसी के डाउनलोड वाला फाइल पे काम नहीं करता हूँ। जो कराऊंगा प्रैक्टिकली कराता हूँ, ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको, जो मैं टूल सिखाऊंगा। सर मैं ये कह रहा था, ये जब ड्रॉ टूल बनाया था यहाँ पे, पहले टी जीरो शॉट निकला है, टी जीरो शॉट में हल्का सा स्केच आ रहा है, जहाँ पे ये मेटिंग पार्ट आ रहा है ना, दोनों मेटिंग पार्ट जो है जहाँ पे रेडियस कम है, तो उसको रेडियस में कंपोनेंट में हम जो डाई था उसमें हम 5 में रेडियस को ऐड करा, तो हल्का सा जो स्केच आ रहा है ना, वो स्केच को फिर जब N30 हो गया, N3 हो गया, उसमें क्लियर हो गया वो। अब कंपोनेंट सही है, बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है, ऐसे इतना इजी नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, नहीं सर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या बताऊंगा मैं, इसके ऊपर वाला पर्सन बताऊंगा, स्प्रिंग की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो वीडियो ठीक लगा? किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे कुछ डाउट? यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? अभी नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, स्प्रिंग की बताऊंगा, ठीक है, जो भी हम पिलर सेट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूज करेंगे, लाइब्रेरी का यूज करना सिखाऊंगा, लाइब्रेरी से कैसे डालते हैं, ठीक है, एक एक चीज हम सारा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, कोई भी हाथ से बना हुआ चीज नहीं चलेगा, बोल्टिंग भी यूज करेंगे, बोल्ट भी यूज करेंगे, सोल्जर बोल्ट यूज कर रहे हैं कि एलन बोल्ट यूज कर रहे हैं, जो भी करेंगे हम सीधा लाइब्रेरी से यूज करेंगे, ठीक है? जो भी स्प्रिंग यूज करते हैं, मान लो मैं स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग की कंप्रेशन मुझे करना है 8 mm का, अब 8 mm कंप्रेशन में मुझे स्प्रिंग कौन सा यूज करना है, कितना डाया का यूज करना है, कौन सी यूज करना है, हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, जैसे हम 5 यूज करते हैं, तो 5 में भी आपको पंचिंग टूल में 5 में भी क्लियरेंस देना पड़ता है, डाई में भी देना पड़ता है, तो वो वाला कंडीशन क्या होता है, किस केस में करना पड़ता है, कौन सी वाली डाई में प्रॉब्लम आता है। देखो डाई तो कोई भी देख के बना देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है ना उसको सोल्यूशन करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जो प्रॉब्लम आता है उसको सोल्यूशन करने में तो सही होता है सब चीजें, तो वो कैसे उसको ठीक करना है वो प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, ऐसा तो नहीं है बहुत फूल बनाए मैंने, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे ठीक करना होता है, तो वो सीधे है। तो अब मतलब मैं अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ऐसे करोगे, कल आपके साथ ये प्रॉब्लम 100% आएंगे, तो वो प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर है? हाँ सर ठीक। तो मे भी मैं कल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा क्या है, तो जो टूल बनाऊंगा ना, तो उसमें ध्यान से देखना कि बहुत कुछ सारा चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे उसको लिमिट डालना है, ठीक है, अगर हम लोग डवेल भी यूज करते हैं वो भी हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, एक एक चीजें सारा स्टैंडर्ड में बनाएंगे, ठीक है, जो कोई देखेगा ना तो लगेगा हाँ इस टूल में जेनुइन टूल है। ये तो सीखना सर। और सर एक क्लियरेंस क्लियरेंस देखने के लिए सर नेक्स्ट क्लास में बताओगे क्या? हाँ नेक्स्ट क्लास रनिंग रनिंग क्लियरेंस के लिए। रनिंग क्लियरेंस को जब डाई कहाँ पे कितना देना है, कहीं पे कितना रिलीफ करना है, तो सारा चीजें उसमें बताऊंगा। आज तो मैंने आपको डाई में कितना क्लियरेंस डालना है, 5 में कितना डालना है वो बताया, ठीक है, और मैंने आपको स्टार्ट में ये बता दिया कि वहाँ पे कितना क्या रखना है, लैंडिंग कितना डालना है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, सारा चीजें आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मैं वीडियो कल मेल कर देंगे। हाँ 9:30 से मैं नेक्स्ट बैच में जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपको कुछ होमवर्क्स वगैरह दूंगा इस ऐसे एक ड्राइंग टूल का, सॉरी ऐसे आपको स्टैंपिंग टूल का, वो कर लेना, करके मेरे को सबमिट कर देना,